बड़ खबर बेखौफ सुबह बेबाक अंदाज दिल्ली जो गए हैं सब लोगों से इसे भी हम आज शुरू में भी बात हो रहा था कि बन रहा है ये हो रहा है तो हमको तो अच्छा नहीं लग रहा था कि जो इतिहास है। अरे आजादी हुई तो जो चीज पर फिर जहां पर से शुरुआत हो गया तो उसी को और विकसित कर देना चाहिए। अलग से नया बनाने का कोई मतलब नहीं, क्या पुराना इतिहास ही बदल दीजिएगा तो बेकार चीज। खैर अब अन्य पार्टियां तो और कारण से राष्ट्रपति जी को नहीं बुला करके ये करे वो सब जो भी कारण है, लेकिन हमसे पूछिएगा तो हमको तो बड़ा ये लगता है कि उसकी क्या जरूरत थी अलग करने का। जो था बिल्डिंग उसी को ना करना चाहिए था। आज जो इतिहास है उसको भुला दीजिएगा क्या, कल हो करके इसको खत्म कर दीजिएगा तो क्या पता चलेगा। तो आप जान लीजिए अब जो शासन में आजकल है हम बराबर कह रहे हैं उस सारे इतिहास को बदल देंगे, आजादी की लड़ाई के इतिहास को बदल देंगे। हम लोग तो एक एक चीज को मानते रहते हैं, देख लीजिए जो पहले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू जी, तो इनके लिए तो हम लोग आते हैं कोई मतलब है। और जब इनका डेथ हुआ था तो हम लोग तो स्कूल में पढ़ रहे थे उस समय, तो उसी समय हुआ तो बड़ा खराब लगा कि हो गया। ये सब तो बचपन की बात है कि चीज तो हम लोग तो मानते हैं, और भले ही हम लोगों का आंदोलन जिस कारण से भी हुआ जेपी के नेतृत्व में सब कुछ हुआ उससे बड़ी अलग चीज तो हम लोग तो मानते हैं। देश का जो इतिहास है वो बहुत आवश्यक है, तो इसीलिए आज तो मेरे जाने का कोई तुक नहीं था और कल वाला तो सचमुच बेकार है, कोई मतलब नहीं है। अब बाकी लोगों को भी हम कहेंगे किस बात को समझिए कि भाई आखिरकार नया बनाने की क्या जरूरत थी, आवश्यकता क्या थी। आ इतना दिन से शासन चल रहा था तो और किसी को लगा था क्या, तो इन लोगों को तो पूरा इतिहास बदलना है इसलिए सब चीज को बदल रहे हैं।